नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौतम, मेरा एक्सीलेंट मेडिसिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में टॉन्सिलिटिस के बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, टॉन्सिलिटिस गले का बीमारी होता है। टॉन्सिलिटिस के वजह से बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके वजह से खाने पीने में भी दिक्कत होता है, गले में दर्द होता है, गले में सूजन होता है, बात करने में भी दिक्कत होता है। तो दोस्तों, आपको इस टॉन्सिलिटिस से छुटकारा दिलाने के लिए एक अच्छा मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, मेडिसिन की जानकारी लेने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, ये टॉन्सिलिटिस से छुटकारा पाने के लिए जो मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है, सबसे पहले मेडिसिन के नाम और मेडिसिन के कंपोजिशन के बारे में आपको जानकारी देंगे। उसके साथ साथ मेडिसिन के बेनिफिट्स या फायदे के बारे में आपको बताएंगे। उसके साथ साथ मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। उसके अलावा मेडिसिन के डोज कवर कितना इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा मेडिसिन के MRP या कीमत के बारे में भी आपको बताएंगे। और सबसे आखिर में मेडिसिन कहाँ पर उपलब्ध होता है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, ये टॉन्सिलिटिस से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा टॉन्सिलिटिस होता क्या है, क्यों होता है, इसके वजह क्या है, इसका साइन एंड सिम्टम क्या है, तब जाके आप दवा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों, हमारा गले में टॉन्सिल का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको ही टॉन्सिलिटिस कहते हैं। हमारा गले का लिम्फोटिक ग्लैंड का इन्फेक्शन ही इसका मुख्य कारण है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन के वजह से ये टॉन्सिलिटिस हो सकता है, साथ ही साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से भी ये टॉन्सिलिटिस हो सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए के वजह से भी टॉन्सिलिटिस हो सकता है, HIV के वजह से भी कभी कभी टॉन्सिलिटिस हो सकता है। तो दोस्तों, वजह चाहे कुछ भी हो, ये डिजीज से छुटकारा पाने के लिए जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये टॉन्सिलिटिस के वजह से हमारा गले बैठ जाते हैं, बात करने में दिक्कत होता है, साथ ही साथ पेन या तेज दर्द होता है। इसके अलावा स्वेलिंग या सूजन आता है, कभी कभी टॉन्सिल ग्लैंड में पुस जमा हो जाता है। दोस्तों, ये टॉन्सिलिटिस के वजह से खाना और पानी खाने में और पीने में भी कठिनाई होता है, दिक्कत होता है। दोस्तों, टॉन्सिलिटिस के वजह से कान या गले में भी तेज दर्द के साथ साथ सूजन भी होता है। इसके अलावा सर दर्द और साथ तेज बुखार भी होता है। इसके अलावा टॉन्सिलिटिस के वजह से कोल्ड एंड कॉफ या ठंड या काशी भी होता है। इसके अलावा थकान, मुंह से दुर्गंध निकालने जैसे समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस टॉन्सिलिटिस से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको स्टीम या भाप लेना चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम तीन वक्त आपको भाप लेना चाहिए। और भाप के साथ साथ हल्का गुनगुने पानी के अंदर नमक डाल के सुबह, दोपहर, शाम तीनों वक्त गार्गलिंग करना चाहिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलता है। इसके अलावा ठंडी चीज, फ्रिज का कुछ भी खाना नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, टॉन्सिलिटिस से छुटकारा पाने के लिए सबसे मुख्य जो दवा है वो है एंटीबायोटिक, क्योंकि दोस्तों ये इन्फेक्शन की वजह से होता है और इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक का जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको एक अच्छा और बेस्ट एंटीबायोटिक के बारे में जानकारी देंगे, जिस एंटीबायोटिक मैकलाइट्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड का मेडिसिन है और मेडिसिन का नाम है पॉलीपॉड CV200। दोस्तों, ये पॉलीपॉड CV200 एक डुअल कॉम्बिनेशन वाला मेडिसिन है। इसके अंदर मिलाया गया है सिपोडॉक्सिन 200 मिलीग्राम, इसके साथ साथ इसके अंदर मिलाया गया है क्लाभुलिनिक एसिड 120 मिलीग्राम। ये दोनों सॉल्ट के सहयोग से बनाया गया है ये मैकलाइट्स का पॉलीपॉड CV200 टैबलेट। दोस्तों, ये मेडिसिन हमेशा खाना खाने के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। सवेरे खाना खाने के बाद एक गोली और रात में खाना खाने के बाद एक गोली, लगातार आप 5 से लेकर 7 दिन तक आपका ये इन्फेक्शन ठीक होने तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसका डोज आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इससे आपको हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। तो दोस्तों, ये पॉलीपॉड CV200 टैबलेट का जो MRP है, जो कीमत है, वो एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट या 10 गोली आता है, जिसका कॉस्ट 280 रुपीज ऑनली। टॉन्सिलिटिस में जो सूजन और दर्द होता है उनसे छुटकारा पाने के लिए एक सूजन रोधी और दर्द निवारक गोली का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दर्द निवारक और सूजन रोधी एक अच्छा बेस्ट मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देंगे, जो इप्का फार्मेसी का मेडिसिन है और मेडिसिन का नाम है 0DOL SP टैबलेट। दोस्तों, ये एक मल्टी कॉम्बिनेशन वाला मेडिसिन है। इसके अंदर 3 तरह का सॉल्ट मिलाया गया है। ये 0DOL SP के अंदर मिलाया गया है
एसिक्लोफेनिक 100 मिलीग्राम, इसके अंदर मिलाया गया है पैरासिटामोल 325 मिलीग्राम, इसके अंदर मिलाया गया है सेराटियो ओपेप्टिडेस 15 मिलीग्राम। ये तीन तरह का सॉल्ट के सहयोग से बनाया गया है ये इपका फार्मेसी का जीरो डॉल एसपी टैबलेट। दोस्तों इसका इस्तेमाल करने से आपका गले में जो सूजन जो दर्द उससे छुटकारा मिलता है। टॉन्सिलिटिस के वजह से जो कान में गले में दर्द होता है, साथ ही साथ जो सरदर्द होता है, जो बुखार होता है, उनसे छुटकारा पाने के लिए ये मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे आपको फायदा मिलता है। तो दोस्तों ये जीरो डॉल एसपी टैबलेट को हमेशा खाना खाने के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, सवेरे खाना खाने के बाद एक गोली और रात में खाना खाने के बाद एक गोली। आप इस दवा को लगातार 3 दिन से लेकर 5 दिन तक अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका सूजन दर्द बुखार कम होने के बाद इसका इस्तेमाल बंद कर दीजिए। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे ये जीरो डॉल एसपी टैबलेट का एमआरपी या कीमत के बारे में। दोस्तों ये एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट या 10 गोली आता है जिसका एमआरपी होता है 115 रुपीस ऑनली। दोस्तों इसके अलावा टॉन्सिलिटिस में कोल्ड एंड कॉफ, ठंड और खांसी रहता है, ये ठंड और खांसी को कम करने के लिए एक अच्छा सा मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देंगे। वो मेडिसिन मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड का मेडिसिन है और मेडिसिन का नाम है मोंटीकॉप ए टैबलेट। दोस्तों ये मोंटीकॉप ए टैबलेट एक मल्टी कॉम्बिनेशन वाला मेडिसिन है, इसके अंदर मिलाया गया है लिवोसेट्रिजिन 5 मिलीग्राम, इसके अंदर मिलाया गया है मोंटील्यूकास्ट 10 मिलीग्राम, इसके अंदर मिलाया गया है एम्ब्रोक्सल 80 मिलीग्राम। ये तीन तरह के सॉल्ट के सहयोग से बनाया गया है ये मैनकाइंड फार्मेसी का मोंटीकॉप ए टैबलेट। दोस्तों ये टैबलेट दिन में एक बार रात में सोने से पहले, खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गोली आप लगातार 5 दिन से लेकर 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको ठंड और खांसी से छुटकारा मिलता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे ये मोंटीकॉप ये टैबलेट का एमआरपी या कीमत के बारे में। दोस्तों ये एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट या 10 गोली आता है जिसका एमआरपी होता है 120 रुपीस ऑनली। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों ये मेडिसिन एलोपैथी मेडिसिन, केमिकल से बना हुआ मेडिसिन, इसलिए इसका साइड इफेक्ट होता है। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से आपको हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है, इसका साइड इफेक्ट आपको परेशानी में डाल सकते हैं। इसीलिए बताए गए डोज के हिसाब से अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो भी छोटा मोटा साइड इफेक्ट होता है वो अपने आप ठीक हो जाता है, इसके लिए आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन फिर भी किसी किसी को ये एलोपैथी मेडिसिन में एलर्जी होता है, रिएक्शन होता है, साइड इफेक्ट होता है। अगर वो साइड इफेक्ट लंबे वक्त तक कंटिन्यू रहता है, इसके लिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो तुरंत मेडिसिन का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। दोस्तों ये मेडिसिन का इस्तेमाल करने से स्किन में रैशेस निकलता है, ये मेडिसिन के वजह से नौसिया या वोमिटिंग भी हो सकता है, ये मेडिसिन के वजह से आपका डायरिया या दस्त भी हो सकता है, ये मेडिसिन के वजह से आपका पेट में एसिड या गैस जमा हो सकता है। लेकिन आमतौर पर देखा जाए हर कोई मेडिसिन एंटीबायोटिक या पेन किलर मेडिसिन के वजह से एसिडिटी का समस्या होता है, इसलिए ये सब मेडिसिन के साथ एक पीपीआई मेडिसिन का इस्तेमाल करने से आपको ये एसिडिटी से आसानी से छुटकारा मिल सकता है। तो आपको एक एसिडिटी के मेडिसिन के बारे में भी जानकारी देते हैं दोस्तों, जिसका नाम है सिस्टोपिक लेबोरेटरीज लिमिटेड का सायरा डी कैप्सूल। दोस्तों ये एसिडिटी का मेडिसिन या पीपीआई को आप हर रोज खाली पेट में ले सकते हैं। सवेरे खाना खाने से 1 घंटा पहले ये सायरा डी कैप्सूल का इस्तेमाल करेंगे तो आपका मेडिसिन का जो एसिडिक प्रॉब्लम होता है उससे छुटकारा मिलेगा। दोस्तों ये सिस्टोपिक लेबोरेटरी का जो सायरा डी टैबलेट है ये डुअल कॉम्बिनेशन वाला मेडिसिन है, इसके अंदर मिलाया गया है रेबेप्राजोल 20 मिलीग्राम, इसके साथ साथ इसके अंदर मिलाया गया है डोमपेरिडोन 30 मिलीग्राम। ये दोनों सॉल्ट के सहयोग से बनाया गया है सायरा डी कैप्सूल। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे ये सायरा डी कैप्सूल का एमआरपी या कीमत के बारे में। दोस्तों ये एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल या 10 गोली आता है जिसका एमआरपी होता है सिर्फ 51 रुपीस ऑनली। दोस्तों ये सब जाने माने कंपनी का मेडिसिन है, इसीलिए आपका नजदीक का जो मेडिकल स्टोर या दवा के दुकान है वहां पर आसानी से उपलब्ध होता है ये सारे मेडिसिन।
तो दोस्तों टॉन्सिलिटिस को लेकर मेरा यह जानकारी अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी एक्टिव कर दीजिएगा। मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।